जी बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन पहले। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, तापीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु को, किसी बॉडी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो है ना, उनके अणु जो है उनका कंपन का आयाम बढ़ जाता है। सॉलिड बॉडी में जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, एटम, वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन करते हैं। तो क्या होता है, जब हम बॉडी को गर्म करेंगे तो इनके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, आयाम बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। उसकी वजह से दो अणु या दो परमाणुओं के बीच की औसत दूरी भी बढ़ जाती है बेटा, है ना। दो एटम के बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि सारे एटम दूर दूर हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर एटम दूर जाएंगे तो वस्तु तो प्रसारित होगी ना, एक्सपेंड होगी। ये रीजन होता है किसी भी बॉडी के एक्सपेंड होने का, जब हम उसे गर्म करते हैं। एक बार मैं फिर बोल दूं, कुछ बच्चे हो सकते हैं अभी आए हों, कि बेटा जब भी हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उनके जो एटम होते हैं उनके वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, है ना, उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। उसकी वजह से दो परमाणुओं के बीच की औसत दूरी भी बढ़ जाती है, दो एटम के बीच का एवरेज डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। और जब एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो पूरी वस्तु प्रसारित हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। ये होता है थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि तापीय प्रसार। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम जो शुरुआत करेंगे, चलो कुछ डेफिनेशन से करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय ताप प्रसार गुणांक। अल्फा इसका सिंबल होता है, रेखीय ताप प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों, अगर हमारे पास कोई रेखीय वस्तु है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई तार है, कोई पतली छड़ है, जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड होगी, वो प्रसारित होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पतली छड़ है, ये जब हम इस रॉड को एक्सपेंड करेंगे, सॉरी हीट करेंगे, तो बेटा ये एक्सपेंड हो जाएगी। अब इसकी लेंथ मान लो इतनी सी बढ़ गई, तो ये हो गया डेल्टा एल। और अगर इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है, सुनना, तो रेखीय ताप प्रसार गुणांक होता है बेटा डेल्टा एल बाई एल अपॉन डेल्टा टी। ऊपर वाली राशि को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल बाई एल को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, लंबाई में आनुपातिक परिवर्तन, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बेटा, ताप में वृद्धि। जितना हमने
उसका टेम्परेचर बढ़ाया है वो है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। लिखो ये सब कॉपी कर लो। हाँ, पहले हमारा जो टेम्परेचर था वो टी था और बाद में टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी, तो ताप में वृद्धि डेल्टा टी की हो गई, तो अल्फा आता है डेल्टा एल बाई एल अपॉन डेल्टा टी। बेटा इसे थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में सॉल्व करने पर ये आएगा, अंतिम लंबाई बराबर प्रारंभिक लंबाई वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर एल नॉट इनिशियल लेंथ है, एल फाइनल लेंथ है। यहाँ पर भी बेटा मैं एल नॉट लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ऊपर अल्फा वाली डेफिनेशन में भी है ना, एल नॉट लिख देना। अल्फा रेखीय ताप प्रसार गुणांक है। बच्चों अल्फा की यूनिट बताओ क्या आएगी, चलो अल्फा की यूनिट बताओ, यूनिट मात्रा क्या आएगा अल्फा का? डिग्री सेल्सियस। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, बिल्कुल सही। एसआई यूनिट अगर हम बात करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन लिखेंगे, केल्विन इनवर्स, लेकिन वैसे क्वेश्चन करने में डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ही लिखेंगे बेटा हम। बच्चों अल्फा की वैल्यू है ना बहुत कम होती है, इसकी रेंज होती है, रेंज वो 10^-4, 10^-5 इतनी कम होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है किसी बॉडी का टेम्परेचर, किसी रॉड का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो वो लंबाई दुगनी हो जाएगी। अरे 1 मीटर कोई लोहे का तार लोगे और उसका टेम्परेचर 30, 40, 50 डिग्री बढ़ाओगे तो भी लंबाई में वृद्धि मात्र 1 mm, 2 mm होती है बस, ज्यादा लंबाई में वृद्धि नहीं होती बेटा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता लेंथ में। तो अल्फा जो होता है वो 10^-4, 10^-5 इस ऑर्डर का होता है। और हाँ, अल्फा की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है? मटेरियल पर। स्टील के लिए अल्फा अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, ठीक है, ब्रास के लिए अलग होगा, तो अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए अल्फा अलग होता है, ठीक है। ज्यादातर मेटल के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, मेटल जल्दी एक्सपेंड होते हैं, ये है। चलो पहले कुछ और डेफिनेशन पढ़ लें फिर खट्टा आगे जाएंगे। बेटा नंबर 2 लिखो, कोफिशिएंट ऑफ एरियल, ARIAL थर्मल एक्सपेंशन, बीटा, बीटा हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? एरियल मतलब क्षेत्रीय ताप प्रसार गुणांक। हाँ, वो रेखीय ताप प्रसार गुणांक था, ये है क्षेत्रीय ताप प्रसार गुणांक, इसका भी मतलब समझ लो बेटा। अगर हमारे पास तार की जगह कोई प्लेट है, मेटल प्लेट है, कोई धातु की वो है तस्तरी, जब उसको गर्म करोगे तो उसका तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, लंबाई थोड़ी ना बढ़ेगी। अगर आपके पास सर्कुलर प्लेट है और उसको हीट अप कर रहे हो तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो बीटा क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, यानी कि एरिया क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी, नीचे डेल्टा टी आएगा, ताप में वृद्धि है ना। ऊपर वाली राशि क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, क्षेत्रफल में आनुपातिक परिवर्तन बटा ताप में वृद्धि। बेटा इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करने पर आएगा ए बराबर ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ए नॉट प्रारंभिक इनिशियल एरिया है और ए फाइनल एरिया है और डेल्टा टी ताप में वृद्धि है। बच्चों बीटा की भी यूनिट तो वही आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है ना, तो यूनिट सेम आएगी इसकी। तो बच्चों लंबाई में वृद्धि होती है तो अल्फा काम में लेते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो बीटा काम में लेते हैं। और नंबर 3 क्या आएगा? नाम बोलो। वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या बल्क थर्मल एक्सपेंशन, कुछ भी बोल दो बेटा।
आयतन ताप प्रसार गुणांक गामा, चलो वॉल्यूम ही लिख देते हैं हम यहाँ बल्क की जगह, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गामा होता है बेटा ये। देखो गामा को हम डिफाइन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, आयतन में अनुपातिक परिवर्तन। अच्छा आयतन अगर बढ़ाना है तो वस्तु कैसी लेंगे हम बताओ, देखो तार लिया तो लंबाई बढ़ेगी, तस्तरी ली तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ाने के लिए कौन सी वस्तु काम में लूं मैं? सर सिलेंडर, कोई भी ले सकते हैं, गोला ले लो, स्फीयर ले लो, क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, कोई भी त्रिविमीय वस्तु ले लो, थ्री डायमेंशनल है ना। इसको बेटा खोलूंगा तो v बराबर आएगा v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा t, v अंतिम आयतन है और v नॉट प्रारंभिक आयतन है, तो ये सब कॉपी कर लो आप। बेटा गामा की भी यूनिट वही होगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, सेम यूनिट आएगी। अभी थोड़ा लिखने का काम है ना, अब इनमें रिलेशन होता है एक, वो लिख लो, रिलेशन अमोंग अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा तथा गामा में संबंध, चलो किसी को पता हो तो बताओ, बोलो क्या रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा में? 1:2:3, इन तीनों का अनुपात जो होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा का जो अनुपात होता है 1:2:3 होता है ना, लिख लो इसे। मतलब 1:2:3 का मतलब ये हुआ बेटा कि बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा आ गया। ठीक है, बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं इसे, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। अभी तो खैर थ्योरी में भी काफी कुछ करना है बच्चों। अगर हम दो पतली छड़ को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और दोनों छड़ जो है, दो थिन रॉड है पतली छड़, उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया और गर्म किया, तो उनका है ना इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन निकालना है। देखिए ताप प्रसार गुणांक की तुल्य वैल्यू निकालनी है, तुल्य मान, तुल्य देखिए ताप प्रसार गुणांक, तो यही हेडिंग डाल लो, ऐसे करो लिखो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तुल्य रेखीय ताप प्रसार गुणांक। इतना सा लिख कर ही छोड़ देते हैं क्या जा रहा है, तुल्य रेखीय ताप प्रसार गुणांक। बेटा अपने पास दो छड़ हैं पतली पतली, और दोनों की लेंथ अलग अलग मान लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ अल्फा तो अलग अलग हो गई, ये एक छड़ है ये दूसरी छड़ है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, इसकी L1 है इसकी L2 है, इसका कोफिशियंट अल्फा 1 है इसका अल्फा 2 है, तो यार आप में से कोई बताओ ना अल्फा इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, याद होगा तो बता दो, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ऐसी क्या बात है।
मैंने कहा ना जवाब तो दे दिया करो नहीं है सर। हाँ नहीं आता तो कोई बात नहीं बता दो ताकि हम आगे बढ़े। तो बेटा इसका अल्फा इक्विवेलेंट आता है एल वन अल्फा वन प्लस एल टू अल्फा टू अपॉन एल वन प्लस एल टू। आप तो इसे एक फार्मूला मान लो और याद कर लो बस। हाँ बच्चों एक स्पेशल केस है, यदि दोनों छड़ की लंबाई बराबर है, अगर L1 और L2 बराबर होगा तो अब इसको हल करके तो बता दो अब अल्फा इक्विवेलेंट क्या आएगा बता दो। अल्फा वन प्लस अल्फा टू है बेटा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाय टू सर, अल्फा वन अप प्लस अल्फा टू अपॉन टू। यस अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू ये तब आएगा जब लेंथ बराबर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बेटा म्यूट करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो कहता हूँ एक रॉड एल लेंथ की है, दूसरी रॉड टू एल लेंथ की है, पहले वाले का कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, दूसरे वाले का टू अल्फा है, तो बताओ उनका तुल्य कितना आएगा। सर क्वेश्चंस रिपीट करिए ना प्लीज। नो टिक नो रिप्लाई सर, को लगता है आवाज सुनाई नहीं दे रही है मान के। सर की आवाज नहीं आ रही है, सर की आवाज भी तो नहीं आ रही है। हेलो सर, सर हेलो हेलो माइक टेस्टिंग सर, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो सर, वेट करो दो ओवर एंड आउट। सर तो अप्लाई करते हैं सर, थामा बोल रहे सर, थामा क्या क्या लकड़ी के लट्ठे को बेटा आवाज आ रही होगी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है बस एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट पे।
तो बेटा अब आंसर बताओ, अब आंसर बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। अच्छा क्वेश्चन में भी आवाज नहीं आई थी क्या? बेटा हमारे पास दो रॉड है, पहली रॉड का लेंथ L है और उसका कोफिशिएंट अल्फा है, दूसरी रॉड का लेंथ 2L है और उसका कोफिशिएंट 2α है। तो इन दोनों को अगर हम सीरीज में लगा दें तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आएगा, बस ये बता दो बस। ठीक है, और लोग भी बता दे। सर 5/3α। ओके यस सर, 5/3α। हाँ तो बच्चों यहाँ पर एल वन एल है, अल्फा वन अल्फा है, तो 1+4 5 हो जाएगा, नीचे एल प्लस 2L 3 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका 5/3α। चलिए आगे चलते हैं, बस उसको लिखाना क्या है, कर लिया क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, मेरे पास एक है ना लकड़ी वाली पेंसिल है ना, पेंसिल होती है ना छीलते हैं जिसे, और एक है ना मेटल का स्केल है, वो स्टील वाला स्केल आता है ना वो है। मैंने उस पेंसिल की लंबाई उस स्केल से नापी तो 10 सेंटीमीटर आई, कितनी? 10। पेंसिल को मैंने स्केल से नापा, 10 आई। अब मैंने स्केल को गर्म कर दिया और उस पेंसिल की लंबाई फिर नापी, अब 10 से कम आएगी या ज्यादा आएगी बताओ? 10 से कम आएगी। कम आएगी, कम आएगी। हाँ 10 से कम आएगी, ठीक है, क्योंकि स्केल बढ़ गया। हाँ स्केल की लेंथ बढ़ गई, स्केल की लेंथ बढ़ गई। स्केल का जो 10 सेंटीमीटर का मार्क था ना बेटा, वो आगे वो 9 हो गया, वो आगे चला गया। हाँ मतलब 10 आगे चला गया ऐसा बोलो, तो 10 पेंसिल से आगे निकल गया, तो पेंसिल का जो नोक है वो तो 10 से कम पर ही आएगी ना, तो बिल्कुल सही बात है, रीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको बच्चों, स्टील के लिए अल्फा जो है वो 2×10^-5 है, अल्फा जो है स्टील का 2×10^-5 है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। हमारे पास एक स्टील का तार है, स्टील वायर, उसका टेम्परेचर 20°C है, इनिशियल टेम्परेचर है 20°C, उसकी लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर लंबा तार है, उसकी उसका टेम्परेचर 20 है। अब बच्चों हमने टेम्परेचर बढ़ाकर 50 कर दिया, तो बताओ इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना, बताइए इसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी? ₹1.0006 है क्या? ₹1.0006। पहले वाला आंसर था भावना का,
नहीं उससे भी पहले था मनीष का, फिर भावना का, भावना 1-0 कम कर दिया क्या बाद में? क्या प्रियांश का, प्रियांश में 3-0 है, प्रियंका 3-0 है, अनुराग तेरे बहुत सारे 0 आ गए, 5-0, 1, 2, 3, 4-0, पूजा 1.0006। चलो मैं करता हूँ, राहुल का भी यही जवाब है। बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट तो 1 मीटर है, अल्फा है 0.00001 और डेल्टा टी आएगा 30। यार कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारा 6 क्यों आ रहा है? अच्छा सॉरी, 2×10 की घात, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने गलती कर दी, 2×10 की घात -5 था। तो बेटा ये आएगा, एक तो 0 हट जाएगी, तो यहाँ पहले 4 0 थी, 3 रह जाएंगी, और 3×2 = 6 हो जाएगा। ये सही है ना? बस 0 काउंटिंग में गड़बड़ हो गई कुछ बच्चों से, और कुछ नहीं। हेलो सर, आपके पास मैसेज नहीं जा रहा। आ रहा है ना बेटा, आ रहा है अनु, आ रहा है मेरे पास, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ बेटा मैसेजेस। इन सारे बच्चों का नाम पढ़ा ना मैंने, तो वो उसी में देखकर पढ़ा है। धर्मेंद्र तुम ही बोल रहे थे क्या अभी? जी सर अभी गया। हाँ आ गया ना, अब हाई आ गया मेरा पास। सर चेंज किया था। अच्छा दूसरी जगह हुआ, वैसे तो तुम केवल होस्ट को ही कर सकते हो है ना, तो होस्ट इस समय वो सचदेवा पीटी कॉलेज के नाम से आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। ये कह रहा है हमारे पास एक कॉपर का वायर है, तांबे का तार है, उसकी लंबाई 1% बढ़ जाती है जब तापमान T1 से T2 करते हैं, है ना? सुन लेना बेटा, हर समय हर चीज लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जब टेम्परेचर को T1 से T2 किया तो 1% लंबाई बढ़ गई। तो कह रहा है अगर हम इतना ही तापमान एक कॉपर प्लेट का बढ़ाए, तांबे की एक प्लेट लें, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी प्रतिशत? सर एक बार और बोल देना क्वेश्चन। फिर से सुनो, एक हमारे पास तांबे का तार है, कॉपर वायर एल लेंथ का, उसके टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, तो बेटा T1 से T2 टेम्परेचर किया तो लेंथ 1% बढ़ गई, 1%। अब वो आगे कह, अच्छा चलो मैं आपसे टुकड़ों में पूछता हूं, टुकड़ों में तो पूछ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। अब वो ये पहले तो बेटा मेरे पास वायर था कॉपर का, अब मेरे पास एक कॉपर की प्लेट है 2L × L लंबाई की, 2L लंबाई है, L चौड़ाई है, और उसका भी टेम्परेचर हमने T1 से T2 बढ़ा दिया, पहले T1 था T2 कर दिया, तो अब इसके क्षेत्रफल में एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बताओ। प्रांजल का आंसर है 2%। और बोलो, ये जवाब आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ अब आंसर बेटा 2% ही आएगा, आप चाहे तो इसे याद भी कर ले। देखो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं,
बेटा लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर निकालना है तो ऐसे ही तो निकालेंगे, डेल्टा एल बटा प्रारंभिक लंबाई गुणा सो। और बच्चों याद करो डेल्टा एल बाई एल जो होता था, ये रहा, इसको देखो, डेल्टा एल बाई एल जो होता था वो अल्फा गुणा डेल्टा टी होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर आएगा। क्वेश्चन में इसे 1% दिया है, 1%। चलो इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। बेटा अब है ना हमसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, क्षेत्रफल में ध्यान रखिए। तो अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए बाई ए नॉट गुणा सो निकालना है। और हम जानते हैं डेल्टा ए बाई ए नॉट जो होता है वो बीटा इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है, और बीटा बेटा 2α होता है, क्या होता है 2α, और अल्फा इंटू डेल्टा टी हमारा 1% था, 2 से गुणा होगा तो ये 2% आंसर आ जाएगा। बस सर मैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा से करी थी तो मेरा आंसर तुरंत आ गया था। यस सर, मैंने भी वही किया है, वो तुमको लोग समझाने के लिए थोड़ा फेयर लिखना पड़ता है ना मुझे, इसलिए बड़ा लगता है। देखे ना वही किया है मैंने, बीटा बराबर 2α किया, 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा इसी में मैं पूछता आपसे, अगर मेरे पास कॉपर का एक क्यूब है घन, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो अब तो तुम समझ ही गए आंसर क्या आएगा, 3%। तो बेटा अगर लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में 2% की होगी और आयतन में 3% की होगी, बिल्कुल सही। बेटा एक बात बताऊं आपको, सुनना ढंग से सुनना, अच्छी बात है, ये जो आयतन में 3% वो सॉरी गामा बराबर 3α होता है ना, ये गामा बराबर 3α क्यों होता है, मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। दरअसल क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक घन है क्यूब, बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एक लंबाई ऐसे बढ़ेगी, दूसरी ऐसे बढ़ेगी और तीसरी ऐसे बढ़ेगी, तो तीनों लंबाई बढ़ने की वजह से 3α हो जाता है। अब मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास एक विशिष्ट प्रकार का कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की खास बात क्या है कि है ना एक्स दिशा में उसका रेखीय तापीय प्रसार गुणांक α1 है, वाई दिशा में α2 है और जेड दिशा में α3 है। मतलब एक्स दिशा में जब वो लंबाई बढ़ेगी तो α1 के हिसाब से बढ़ेगी, वाई दिशा में α2 और जेड दिशा में α3। एक ऐसा होता नहीं है, सामान्यतः जितने भी पदार्थ हमारे पास होते हैं उन सबका तीनों दिशाओं में अल्फा समान होता है, परंतु मान लो ये एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ है, एक स्पेशल मटेरियल है जिसका एक्स डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 है, वाई डायरेक्शन में α2 है और जेड डायरेक्शन में α3 है, तो बताओ इसका गामा कितना होगा। क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, बहुत टाइम लगता है, सुन लो समझ लो और कर लो बस, इसका गामा बताओ कितना होगा। सर 3α। मेरा बच्चा क्वेश्चन तो कम से कम सुन लो। ऐसा लगता है अचानक से नींद में थे और अचानक से उठकर बैठे और कुछ भी बोल दिया, मेरा क्वेश्चन में अल्फा है ही नहीं है ना सर, वो मुझे लगा α1 α2 एंड α3 है तो उससे निकालना होगा। नहीं आपको कुछ लगा नहीं, नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं सुना बेटा, आप कुछ बातें कर रहे होंगे, चाय वाय पी रहे होंगे। मैं कितना प्यार से क्वेश्चन, बेटा मैंने कितना प्यार से क्वेश्चन बोला है कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसका तीनों दिशाओं में तापीय प्रसार गुणांक अलग अलग है, तो इसका गामा बताओ। और ये भी मैं बोला सामान्यतः ऐसा नहीं होता है ना, सामान्यतः तीनों दिशाओं में अल्फा सेम होता है इसलिए गामा बराबर 3α होता है, मैं इतना भी बोला था पर सुनते नहीं हो। जिस दिन टीचर को सुन लोगे उस दिन नीट क्लियर, 100% चैलेंज गारंटी, पर अभी हम सुनते नहीं है। चलो जवाब दो इसका, तीन अलग अलग दिशाओं में रेखीय ताप प्रसार गुणांक अलग अलग है, α1 α2 α3, तो इस वस्तु का आयतन तापीय प्रसार गुणांक यानी कि गामा कितना होगा।
भावना का आंसर आया है अल्फा वन गुणा अल्फा टू गुणा अल्फा थ्री। भावना इतना सोच, अगर तुम्हारा आंसर ये है, अगर ये सही है अल्फा वन गुणा अल्फा टू गुणा अल्फा थ्री, तो फिर तीनों अल्फा बराबर होने पर ये तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, है ना बेटा? तीनों अल्फा बराबर करूंगा तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो गई इसका मतलब आपके आंसर में। तो ऐसा करो, इनको है ना बीच में इनटू की जगह प्लस कर दो, बस ये आंसर भी यही है। तो बच्चों अगर तीन अलग अलग दिशाओं में अल्फा अलग अलग हैं, तो टोटल गामा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री होगा। और हाँ, अगर तीनों अल्फा बराबर हुए तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा थ्री अल्फा हो, बात खत्म हो गई। तो बेटा ऐड करते हैं, गुणा नहीं करते, गुणा करोगे तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। चलिए ये आप तो क्वेश्चन मत मानिए, आप तो ये मान लिए आपके लिए थ्योरी था। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री लिख देना क्या है, एक्स वाई और जेड दिशाओं में तापीय प्रसार गुणांक था। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करें बेटा। बेटा मेरे पास एक ग्लास वेसल है, वेसल मतलब पात्र। ग्लास क्या होता है, ग्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं? कांच। हाँ कांच बोल लो। उसका पात्र है, उसका आयतन है 100 मीटर क्यूब। एक ग्लास कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है बेटा 100 मीटर क्यूब। ढंग से सुनना, ठीक है, 100 मीटर क्यूब। और इस पूरे पात्र में मैंने मर्क्यूरी भर दिया, है मर्क्यूरी के हिंदी में बोलते हैं पारा, फुल एंड फुल ऊपर तक पारा भर दिया बेटा। अभी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर आपने इसे गर्म किया और अंतिम तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। एक तो ग्लास का अल्फा दिया है, अल्फा ग्लास, उसकी वैल्यू दी है 1.8 × 10⁻⁶। और दूसरा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का गामा दिया है बेटा, गामा, तो मर्क्यूरी का गामा है, पारे का गामा दे रखा है। यहां तक ना, एक का अल्फा है दूसरे का गामा है, 1.8 × 10⁻⁴। अब क्वेश्चन फिर से सुनो बच्चों, हमारे पास कांच का बर्तन है, उसका आयतन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें पारा फुल्लम फुल भर दिया, मर्क्यूरी फुल्लम फुल भर दिया, ग्लास का अल्फा दिया है, पारे का गामा दिया है। शुरू में टेम्परेचर 25 था, फिर 75 कर दिया। बच्चों पारे का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, मर्क्यूरी का एक्सपेंशन प्रसार ज्यादा होगा, और वो बाहर आ जाएगा बर्तन से। तो आपको बस यही निकालना है, हाउ मच मर्क्यूरी विल ओवरफ्लो, यही निकालना है, हाउ मच मर्क्यूरी विल ओवरफ्लो। कितना पारा बर्तन से, पात्र से बाहर आ जाएगा, कोशिश तो करो यार। देखो अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, ठंडा गरम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, बस तुम कोशिश करते रहो, लगे रहो, छोड़ना मत।
मैं इतना आपको बता दूं कि बेटा दोनों का आयतन में वृद्धि होगी, बर्तन के आयतन में भी वृद्धि होगी और मर्क्यूरी के आयतन में भी वृद्धि होगी, पर मर्क्यूरी के आयतन में वृद्धि ज्यादा होगी, तो दोनों का अंतिम आयतन निकाल कर घटा दो, बस इतना सा काम करना है। दोनों का अंतिम आयतन निकाल दो, बर्तन का भी आयतन निकाल लो 75 डिग्री पर और पारे का मर्क्यूरी का भी फाइनल वॉल्यूम निकाल लो, दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, वो तो करना पड़ेगा, अब क्या करें, फिजिक्स ली है तो उसे झेलना भी पड़ेगा। सर मैंने सिर्फ मैथ्स लिया था, फिजिक्स अपने आप आ गया। अरे रहने दे, लेनी पड़ती है, चूज करनी पड़ती है, तीन सब्जेक्ट समझा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यार तुम्हारे साले एग्जाम्स का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा यार। सर नीट कब होगा? बेटा काश मुझे पता होता तो मैं बता देता। और बता है, ये तुम मुझसे क्या, अगर तुम अपने पोखरियाल जी से भी पूछोगे ना तो उनको भी नहीं पता कि कब होगा, एनटीए को खुद को नहीं पता कब होगा। अब तो बेटा माहौल के हिसाब से काम हो रहा है इस समय, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन माहौल बहुत खराब, बहुत खराब। अब तो हर घर में नुकसान हो रहा है, हर घर में, भगवान बचा कर रखे सभी को। सर मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ। हाँ बेटा, सिम्टम्स तो नहीं है, बीमार है क्या? यस अभी सर पॉजिटिव है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, और पांचवे छठे दिन सबसे ज्यादा ध्यान रखना, जरा सा भी फीवर हाई लगे तुरंत एक बार सीटी स्कैन कराकर ट्रीटमेंट तो शुरू कर ही दो। लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं बेटा, अभी आएंगे, लेकिन जिनके दो लग चुके ना अभी, तो बेटा आपके तो लगी नहीं होगी, और एक लगी है सर कल। हाँ कल लगी है ना, तो जब दो लग जाएगी और दो लगने के बाद भी 15 दिन के बाद फिर कुछ सुरक्षित होंगे, और उसके बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना सीवियर नहीं होता, उसके बाद कोरोना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा जिनको दोनों डोज लग, मतलब वो आसानी से ठीक हो रहे हैं, और बाकी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है, लोग एडमिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है, और मार्केट में ना तो ऑक्सीजन है बाजार में, ना इंजेक्शन है, ना दवाइयां हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए जितना हो सके अपने आप को बचा कर रखो, फालतू तो बाहर निकलो ही मत। चलिए बताइए कुछ किया है तो? जवाब दो यार, ऐसे थोड़ी ना काम बनेगा। 0.008 धर्मेंद्र, वेरी गुड। और मनीष 269.1 मीटर क्यूब। रितेश बेटा म्यूट मैंने कर दिया। हाँ मैंने क्या कहा, अब सुनो, मैं बेटा शुरू करता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। दोनों का अंतिम वॉल्यूम निकाल लो। कैसे निकालोगे? पहले ग्लास का अंतिम वॉल्यूम निकालो। ग्लास का प्रारंभिक वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम 100 था, 1 प्लस गामा। और बेटा ग्लास का गामा नहीं दे रखा तो 3 अल्फा ले लो, डेल्टा टी। इसको सॉल्व करो। अच्छा सुनो, वैल्यू बाद में रखूंगा है ना, यहां भी मैं वी नॉट लिख देता हूं। और मर्क्यूरी का अंतिम आयतन कैसे निकालोगे? प्रारंभिक आयतन उसका भी बराबर है, मर्क्यूरी का गामा हमें डायरेक्ट दे रखा है। बेटा मैं आपसे क्या बोला, बस आपको दोनों को घटाना है, डेल्टा वी निकालना है, तो वी मर्क्यूरी में से वी ग्लास घटा दो। दोनों को घटाओगे तो देखो क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करो तो डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा गामा माइनस 3 अल्फा और डेल्टा टी बाहर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना मुझसे सीखो। वी नॉट 100 ले लो, गामा कितना दे रखा है बेटा, 1.8 × 10⁻⁴
और अल्फा दे रखा है इसको तीन से गुणा कर दो तो थ्री अल्फा कितना आएगा, 18 54 होता है ना बेटा, 5.4 × 10⁻⁶। और डेल्टा टी कितना है 50, 25 से 75 पहुंच गए ना, तो 5000 तो इधर लिख दो बेटा। ऐसा करते हैं -4 पावर को भी -6 बना देते हैं, -4 को -6 बनाएंगे तो ये 180 लिखना पड़ेगा, 180 गुणा 10 की घात -6 और फिर -6 बाहर ले लेंगे, ये तरीका सही है। तो 5 × 10⁻³ तो इधर आ गया, -6 को ये 3 जीरो से हटा दिया, 180 में से बेटा 5.4 घटाना कितना आएगा 175 सही लिखा है हाँ। और बेटा इसको फिर 5 से गुणा करो, अब इतना काम फिर और करो, 5 से गुणा कर दो ना प्लीज, प्लीज कर दो। वॉइस कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आएगा 870 × 10³⁻³, कुल मिलाकर आएगा 0.87 cm³। ये है अपना अंतिम आंसर, कैलकुलेशन थोड़ी थी ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, वो हमें नंबर दिलवाएगा बाद में फ्यूचर में। तो मैं देखता हूँ आंसर किसका सही था, अब देखता हूँ। मनीष तुम्हारा बेटा गलत हो गया था, धर्मेंद्र यूनिटी नहीं लिखी तो बेटा मुझे पता नहीं लग रहा कि तुम किस यूनिट में बात कर रहे हो। प्रियांश 0.88 आ रहा है तो मैं मानता हूँ सही आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिख दिया करो। और प्रियंका 0.0089, आपके साथ भी यूनिट का लफड़ा है। सोनम बेटा गलत है, जैसे है ना ये तमन बच्चा जो है इसने कितने अच्छे से लिखा है ना, यूनिट भी लिखी वैल्यू भी लिखी, ऐसे लिखा करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा। एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला लिख देता हूँ आपको, 2π√L/g। अरे हम तो हमने SHM पढ़ लिया, अब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। इस सिंपल पेंडुलम का जो तार है वो मान लो किसी स्टील वगैरह का बना हुआ है जिसका अल्फा दे रखा है, ठीक है, स्टील का तार है, स्टील का अल्फा 1.2 × 10⁻⁵ मान लो बेटा। अभी जो टेम्परेचर है ना वो 20 °C है, जिसको हमने बढ़ाकर 40 °C कर दिया। अब ढंग से सुनना क्वेश्चन, पहले तो मुझे ये बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पेंडुलम जो है वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, धीरे चलेगा या तेज चलेगा, पहले तो ये बताओ। सर स्लो चलेगा, स्लो चलेगा, कारण टाइम बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हाँ, तापमान बढ़ाने पर लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने से टी बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है एक दोलन में ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब वो स्लो हो जाएगा। तो तुम बता सकते हो बता एक दिन में कितने सेकंड पीछे होगा? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये आपको बताना है 24 घंटे यानी कि एक दिन में पेंडुलम कितने सेकंड पीछे हो जाएगा, निकालो। मेहनत करो यार, मेहनत करो, बहुत मजा आएगा। लिख लो एक दिन में पेंडुलम कितने सेकंड पीछे हो जाएगा, हाउ मेनी सेकंड्स पेंडुलम विल लॉस इन वन डे, हाउ मेनी सेकंड्स पेंडुलम विल लॉस इन वन डे। एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी बेटा, वो बता दूं उसके बिना नहीं कर पाओगे, वो क्या, जैसे हम जानते हैं टाइम पीरियड अंडर रूट एल के समानुपाती होता है ना, इसलिए आवर्त काल में जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि उसकी पावर हाफ है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ काम में लेनी है बस। ये मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में एरर में शुरू में पढ़ाया था, वो चीज यहाँ काम में लेनी है बस। तो यहाँ 100 से गुणा करने की तो जरूरत नहीं है, 100 तो हटा दो डायरेक्ट, बस यही लिख दो।
बच्चों एक मिनट, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है आपसे, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, अलग से पूछना है, और चैट बॉक्स में जवाब देना। आप में से कितने लोग डायरेक्ट जूम से आ रहे हैं? लिखो मुझे, इसका नाम ही देखो, ये नाम से ही पता लग रहा है तू जून से आ रहा है, क्योंकि ऐप से तो आ ही नहीं सकता, असली नाम आता। और नो मत लिखो, यस बस जो आ रहा है वो लिखो बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। कभी कभी क्यों आरती, मन कर जाता है जैसे आ जाते हैं। देखो हो सकता है नो सर, नेटवर्क काम नहीं करता। इससे के नॉनसेंस बात हुई, नेटवर्क तो नेटवर्क है, वो तो दोनों में सेम काम करेगा दोनों। अरे वो आपका जो सर ऐप कम नेटवर्क पे नहीं चलता बेटा, सचदेवा का ऐप भी जूम इंटीग्रेटेड है, वो जूम में कोई, ओ सॉरी ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो इशू अलग है, लेकिन नेटवर्क इशू नहीं होता ऐप में, वो दोनों सेम काम करते हैं। प्रतिमा आपका रीजन क्या है बेटा? मेरा बच्चा, मेरा तुम लोग है ना फिजिक्स के क्वेश्चन का जवाब तो गलत देती हो, यहाँ भी जवाब गलत दे रहे हो। मैंने क्या पूछा था, सिर्फ वो बच्चे लिखें जो जूम से आते हैं, बाकी कोई कुछ ना लिखें बस। राहुल कह रहा है बीच बीच में लेफ्ट हो जाता है ऐप से, इसलिए कभी कभी जूम से आते हैं। ओके बेटा ठीक है, वैसे होना तो नहीं चाहिए। मैं जब यूज, मैं भी ऐप से काफी चेक करता हूँ तो खूब ढंग से चलता है। तो सिर्फ वो बच्चे लिखें मेरा बच्चा जो जूम से आते हैं, वो ना लिखें जो ऐप से आते हैं। वैसे मुझे लग रहा है जिनके नाम सही लिखे हैं ना वो ऐप के थ्रू आते होंगे, बाकी लोग जूम से आते हो, ज्यादा लोग तो नहीं है इसका मतलब है ना। तो बेटा आप लोग जल्दी से ऐप को सही करो, क्योंकि हो सकता है जूम से नहीं आ पाओ एक दो दिन के बाद। मैं इसका आईडी चेंज करूंगा अब है ना, और ऐप से ही आओ आप, बिना ऐप के मत आओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ईशान सर से कांटेक्ट कर लेना है ना, वो आपकी छोटी मोटी समस्याएं निकाल देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करूं फिर, और क्या है जवाब दिया है क्या? अच्छा मेरे दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तुम्हें, मुझे बहुत नेटवर्क इश्यू होता। ये बेटा मेरी बात सुनो, ये क्या नाम था इसका, लड़की का नाम क्या बताया, प्रतिमा। प्रतिमा बेटा मेरी बात सुनो, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि नेटवर्क इशू आपको ऐप में आता है जूम में नहीं आता, क्योंकि जो हमारा ऐप है ना बेटा वो भी जूम में नहीं। हाँ और कोई बात है, ऐप में लॉगिन करने में दिक्कत आ रहा है या कुछ और इशू है तो उसके लिए एक बार आप ईशान सर से बात कर लो है ना, क्योंकि मैं एक दो दिन में आईडी चेंज करूंगा तो आप इस आईडी से क्लास में नहीं आ पाओगे। ऐप ओपन नहीं हो रहा, हाँ ये कोई प्रॉब्लम अगर है ना तो आप एक बार फटाफट ईशान सर से मिलो, मतलब बात करो। चलो चरणजीत कह रहा है 10.368 सेकंड, वेरी गुड, बड़ा एक्यूरेट आंसर निकाला। आरती लो सर लो मेरे करो, मैं ऐप कौन सी लैंग्वेज है बेटा सर? लो नेटवर्क कुछ नहीं सर, वो उसका तोते का लैंग्वेज होगा। पोपट तू चुप बोल जा, लेती तू ना मार खाएगा बाय गॉड। कैसे पिटाई लगाएगी बेटा, वहीं से फेंकेगी सर, ऑनलाइन पिटाई कैसे लगाएगी ये समझा ना, मुझे भी बच्चों की लगानी है, बच्चों की पिटाई मुझे भी लगानी है, तो ऑनलाइन पिटाई लगाने का तरीका मुझे भी बताओ बेटा। ऐप ओपन नहीं हो रहा, सुन मेरी बात आरती, yes. अगर ऐप ओपन नहीं हो रहा तो अलग इशू है, उसके लिए आप एक बार ईशान सर से बात कर लो है ना सर। 15 दिन के बाद ना बीच बीच में वो बंद ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार सर से बात कर लो, नहीं होता ऐसे बीच बीच में तो नहीं होता, वो इसकी एक डेट होती है बेटा, जब वो एक्सपायर होता है ना उसका एक डेट देता है वो, तब होता है। और अब तो आपका कोर्स भी खत्म होने वाला है तो एक्सपायरी का लफड़ा भी नहीं होगा, तो एक बार आप बात कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तो क्वेश्चन पर ध्यान दो बेटा। सुनो हमसे कहा है
एक दिन में कितने सेकंड पीछे हो जाएगा, तो पहले ये डेल्टा टी बाई टी निकाल लेते हैं, है ना। तो डेल्टा टी बाई टी आएगा एक बटा दो डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा हाफ, अल्फा है 1.2 10 टू द पावर माइनस 5, टेम्परेचर कितना बढ़ाया 20 से 40 किया तो 20 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 4। अभी यही बेटा ये डेल्टा टी बाई टी क्या निकला, ये निकला एक सेकंड में हमारा पेंडुलम कितना पीछे हो जाएगा, एक सेकंड में इतने सेकंड पीछे हो जाएगा। अब हमें एक दिन में निकालना है, तो हम 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 4 को कितने एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बेटा बताओ, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400, 24 गुणा 3600। बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही आंसर आएगा, लगभग लगभग 10.4, 10.3680 आएगा, लेकिन मैंने 10.4 लिख दिया। तो ये पेंडुलम एक दिन में 10.4 सेकंड पीछे हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इग्नोर मत करना, ये ऐसे के ऐसे एग्जाम में उठकर आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। उस दिन आपको बड़ा दुख होगा कि काश हम ध्यान देते तो नंबर आ जाते। बच्चों अब आगे चलते हैं, इसको फटाफट कॉपी करो, है ना। डेंसिटी किस तरह से बदलती है ताप बढ़ाने से, वो देखेंगे, इफेक्ट और है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, घनत्व पर ताप का प्रभाव। सर थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे प्लीज। लो बेटा पूरा दिखा दिया, थैंक यू सर। लिखो घनत्व पर ताप का प्रभाव, यही लिख लो यार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। बच्चों ये तो क्लियर है ना यार, जब हम किसी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, द्रव्यमान थोड़ी ना बढ़ेगा यार, द्रव्यमान नहीं बदलता। और अगर द्रव्यमान नहीं बदलता, हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो बदला नहीं, एम तो सेम है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से घनत्व कम हो जाएगा। लिखो जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। लिख लो अपनी भाषा में, लिख लो यार, मत इंतजार किया करो कि सर बोले तब, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख लो, एम सेम रहता है, वी बढ़ जाता है, इसलिए घनत्व कम हो जाएगा, बस खत्म। एम समान रहता है, वी बढ़ जाता है, इसलिए घनत्व कम हो जाएगा। अब आप लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ो बेटा, अपन मान लेते हैं शुरू में इसका आयतन वी नॉट है और घनत्व रो नॉट है, द्रव्यमान एम है, तो बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको इक्वेशन वन डाल दो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान तो एम रहेगा, लेकिन ये जो आयतन है ना, आयतन नीचे वाला, ये हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो बच्चों एम अपॉन वी नॉट को रो लिख देते हैं, तो हमारा फार्मूला आ गया, आप तो इसे फार्मूला मान लो, ये फार्मूला आ गया, तो अंतिम घनत्व जो होगा, फाइनल डेंसिटी, वो होगा प्रारंभिक घनत्व रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा वही है बेटा जो पहले गामा था, ये भी वही वाला गामा है, बस ये फार्मूला मान लो। चलो आगे चलते हैं, जो एक क्वेश्चन डेंसिटी का कराने का मन है, लेकिन
उसके लिए मुझे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देनी पड़ेगी, वो फ्लूइड वाला टेस्ट का सिलेबस करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं, वो फ्लूइड वाले चैप्टर से संबंधित है, पर इस बच्चे ने एक दूसरा प्रश्न उठा दिया, तो पहले इसको डिस्कस कर दें, सिलेबस इस संडे का टेस्ट का। हाँ, हमने पिछली बार जो दिया वो भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक तो अभी अभी हमने आपको वेव पढ़ाया है, वेव टेस्ट में आया भी नहीं है, नहीं आया ना? हाँ सर। नो सर। नहीं, सॉरी, वेव तो आ गया, गलत, वेव ऑप्टिक्स नहीं आया। हाँ, वेव मोशन तो आ गया, तो वेव ऑप्टिक्स नहीं आया, तो इस बार टेस्ट में वेव ऑप्टिक्स ले लेंगे। और बेटा, थर्मल फिजिक्स में भी कुछ ले लेते हैं, है ना, अभी छोटे छोटे चैप्टर है, हो जाएंगे। तो कैलोरीमेट्री ले लो, इसमें रिवीजन तो देता नहीं, तुम जानते हो। आज वाला चैप्टर ले लो थर्मल एक्सपेंशन, और कल मैं केटीजी शुरू कर रहा हूं, तो केटीजी और ले लो, केटीजी हो जाएगा खत्म, ज्यादा बड़ा नहीं है। अपने पास आज के बाद 5 लेक्चर हैं, और सैटरडे हटा भी दे तो 4 तो है, हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपके टेस्ट का सिलेबस है, सामने लिखा हुआ है, आप देख लो। पूरा वेव ऑप्टिक्स, कैलोरीमेट्री और एक्सपेंशन तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, और केटीजी बस 30 क्वेश्चन ही आने होते हैं, तो इसी में से दे देंगे। और मैं अभी सुन रहा था, बायो वाले सर ने टेस्ट सिलेबस आपका डिस्कस कर ही लिया, और मुझे है ना फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर ने भी भेज दिया था सुबह, एक बार मैं अभी आपको बताता हूँ, एक बार होल्ड करो आप, ये काम भी हो जाए तो अच्छा है, तुम लोग तैयारी कर लोगे। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम है बेटा फिजिकल का, है ना। और एक बार है ना बेटा, अभी इनऑर्गेनिक वाले सर से अभी पूछ लेना आप, क्लियर हो जाएगी सारी स्थिति, सामने आ जाएगी, तो आपका सारा सिलेबस का पता लग जाएगा आपको। तो बच्चों, ये बात अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ूं मैं। सर, ऑर्गेनिक का कुछ नहीं आएगा बेटा, जब पढ़ ही नहीं रहे तो अभी ऑर्गेनिक का क्या देना, ठीक है। Okay. अभी पिछली बार का बार आ गया, अब बाद में लास्ट में देखेंगे, मेजर में देखेंगे, है ना, या हाँ जब कवर होगा। अभी तो दोनों केमिस्ट्री जो चल रहा है वो चलने दो, तो इसमें आयनिक आ रहा है, और उसमें सर से पूछ लेना, वैसे तो कोऑर्डिनेशन आएगा ही, क्लियर दिख रहा है, और देख लेना, है ना। आज मेटलर्जी शुरू हो रहा है ना शायद आपकी? Yes, sir. हाँ, तो सर बता देंगे क्या आ रहा है, नोट कर लेना बेटा, फिर आप मुझसे रोज पूछते हो। चलो, मैं कह रहा था, मुझे है ना आपको डेंसिटी का क्वेश्चन देने के लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन फ्लूइड से रिलेटेड है बेटा, है ना। बच्चों, जब कोई भी वस्तु पानी में तैरती है, जैसे मान लो कोई लकड़ी का ब्लॉक है पानी में तैर रहा है, तो उसका कुछ आयतन पानी के अंदर होता है, बाकी पानी के बाहर होता है। मैं फ्लूइड में भी पढ़ाऊंगा ये चीज, हाँ ध्यान रखना, ये चीज मैं फ्लूइड में भी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, उसका कुछ आयतन पानी के अंदर होता है और बाकी बाहर होता है, तो ये अभी एक रिलेशन याद कर लो, टोटल कुल आयतन का जो भाग पानी के अंदर होता है, इनसाइड अपॉन टोटल, पानी के अंदर जो आयतन होता है वो जो होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि वस्तु का घनत्व और डेंसिटी ऑफ वाटर। ये रिलेशन याद कर लो बेटा, इस पर एक क्वेश्चन अभी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, मान लो मेरे पास एक लकड़ी का ब्लॉक पानी में तैर रहा है, आधा अंदर है आधा बाहर, चलो किस्सा खत्म, आधा लकड़ी का ब्लॉक पानी के अंदर है आधा बाहर है, और हम ये मान लेते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लकड़ी का कोई प्रसार एक्सपेंशन नहीं होगा लेकिन पानी का होगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बताओ, तापमान बढ़ाने पर लकड़ी का ब्लॉक पानी के और अंदर जाएगा या पानी से थोड़ा बाहर आ जाएगा, सोच कर जवाब देना, तुक्का उक्का नहीं लगाना। बोलो बोलो,
जाएगा सारा और ऊपर आ जाना चाहिए सर नीचे रहे याद रखो अंदर जाना चाहिए पानी का प्रसार लेना है बस तो बच्चों देखो हम जानते हैं हाँ एक मिनट ऐसे बेटा बोलोगे ना तो मुझे पता नहीं लगेगा तो या तो आप टाइप कर दो मैंने ये पूछा है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लकड़ी का ब्लॉक है वो बाहर आएगा या अंदर जाएगा बस इतना सा तो आप आउटसाइड इनसाइड लिख दो बाहर आएगा लिख दो आउटसाइड और अंदर जाएगा तो इन लिख दो बाहर आएगा आउटसाइड ठीक है सभी बच्चों का यही आंसर है अच्छा रवि इनसाइड कह रहा है अंदर जाएगा राहुल प्रांजल भावना कह रहे हैं बाहर आएगा पविंदर कह रहा है अंदर जाएगा भाव्य बाहर उदय प्रकाश बाहर अंदर चलो बेटा मैं आना आगे नहीं पढ़ूंगा अब ठीक है तो देखो मैं बताता हूँ बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो चेंज हो ही नहीं रहा मैंने मना कर दिया कि हम लकड़ी का तो प्रसार हम ले ही नहीं रहे तो लकड़ी का तो डेंसिटी सेम रहेगा लेकिन पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा जब नीचे वाली राशि कम होगी क्योंकि हमने कहा ना डेंसिटी कम हो जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है ये वाली क्वांटिटी कम होगी तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी यानी कि अंदर वाला आयतन का वो भाग जो अंदर है वो बढ़ जाएगा यानी कि वो और अंदर जाएगा तो एक बार दोबारा एनालिसिस करो अपने आंसर का बेटा एक बार फिर से बताइए मैं बताऊंगा लेकिन मैंने जो बोला एक बार उसको बनाकर खुद सोचो ना एक बार सोचो मजा आएगा सोचने में लकड़ी की डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन पानी की डेंसिटी कम हो रही है बेटा ताप बढ़ाने पर तो पानी की डेंसिटी कम हो रही है नीचे वाली राशि कम हो रही है तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना ये पूरा बढ़ जाएगा ये बढ़ेगा मतलब ये भी बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये बढ़ रहा है अरे बेटा अंदर वाला आयतन बढ़ रहा है यानी कि लकड़ी का ब्लॉक अंदर जाएगा बाहर नहीं आएगा अब बताओ समझ में आया सर रो डब्ल्यू वाटर का है या फिर वुड का है अरे नहीं ओले मेरा बच्चा तुम ये वाटर का है बेटा ये सॉलिड एस फॉर सॉलिड डब्ल्यू फॉर वाटर वुड का तो मैंने चेंज ही नहीं किया मैंने मना कर दिया ना बेटा लकड़ी में तो हम चेंज ही नहीं कर रहे तो एक बार फिर बोल रहा हूं तीसरी बार सॉलिड यानी कि लकड़ी की डेंसिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी बेटा नीचे वाली राशि कम होने से ये पूरी राशि बढ़ जाएगी इसके बढ़ने से ये भी पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये भी बढ़ेगा नीचे वाला तो कॉन्स्टेंट है ना इनसाइड अंदर वाला आयतन बढ़ रहा है यानी कि वस्तु अंदर जा रही है ऐसे करना है क्वेश्चन तो अगर अब आपकी अनुमति हो तो एक न्यूमेरिकल भी दे दूं मैं इस पर है ना बेटा अच्छे से हो जाएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा ये एक्सपेंशन मजा आएगा अनुमति दे दो यार अनुमति है धन्यवाद भाई साहब वरना तो हमें अभी दुकान बढ़ानी पड़ती 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर T1 है बेटा 4 डिग्री ठीक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वस्तु है उसका 0.98 जो आयतन है यानी कि V inside अपॉन V total ये है 0.98 कितने पर 4 डिग्री पर 98% आयतन पानी के अंदर है 98% अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरा वस्तु अंदर चला जाएगा जैसा अभी मैंने बताया था ना तो कितने तापमान पर आपको बताना है अंतिम तापमान कितना हो ताकि पूरी वस्तु पानी में डूब जाए अंदर चली जाए बच्चों वस्तु का प्रसार नहीं लेना सिर्फ पानी का प्रसार लेना है और पानी का गामा दे रखा है आपको वो है 3.3 × 10^-4 3.3 × 10^-4
बस अब ये क्वेश्चन कर दो, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लकड़ी के ब्लॉक का 98% पानी के अंदर है, तो कितने तापमान पर पूरा ब्लॉक पानी में अंदर चला जाएगा? लकड़ी के ब्लॉक का प्रसार नहीं लेना, पानी का प्रसार लेना है और गामा दे रखा है पानी का, अब बताओ। सर प्रसार इंग्लिश में एक्सपेंशन बेटा, एक्सपेंशन। अरे इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन सुन लो, ऐसी क्या बात है बेटा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वुड का ब्लॉक है, उसका 98% पानी के अंदर है, तो कितने टेम्परेचर पर पूरा ब्लॉक पानी के अंदर चला जाएगा? हमें वुड का एक्सपेंशन नहीं लेना, पानी का एक्सपेंशन लेना है और पानी का गामा आपको दे रखा है। ओके, ये तोमन है या तमल है? तोमन, तोमन का है 60.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बात है बेटा, बड़ी मेहनत की। तोमन बेटा, ये टेम्परेचर में चेंज बताया है आपने या फाइनल टेम्परेचर बताया है? मैंने है ना फाइनल पूछा है। अगर आपका डेल्टा टी निकला हो तो उससे टी टू निकाल दो एक बार, है ना। तो मुझे बताओ आपका ये डेल्टा टी है या टी टू है? कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है यार ऐसे चैप्टर्स में, थर्मोडायनेमिक्स में तो आगे भी कैलकुलेशन आएगी। तोमन बेटा, मैं ज्यादा इंतजार अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपना क्लास एंड होने का टाइम आ गया, तो मैं बता ही देता हूँ, आप कैलकुलेट करते रहो तब तक। बेटा सुनो, पहले वाले केस में वी इनसाइड अपॉन वी टोटल, यानी कि रो सॉलिड अपॉन रो वाटर 0.98 था, इक्वेशन नंबर वन। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड का तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, पानी का डेंसिटी चेंज होकर डैश लग जाएगा। अब पूरी वस्तु अंदर चली गई, पूरी वस्तु का मतलब ये वन हो जाएगा, करेक्ट। और हाँ, नई डेंसिटी को भी तो हम इस वाले फार्मूले से पुट कर सकते हैं। नई डेंसिटी क्या होती है? पुरानी डेंसिटी अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा टी। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो सॉलिड हो गया और पानी की नई डेंसिटी क्या होगी? पुरानी डेंसिटी अपॉन, अपॉन है ना तो ऊपर चला जाएगा, वन प्लस गामा डेल्टा टी, ये ऊपर चला जाएगा, ये वन हो जाएगा। बेटा रो सॉलिड अपॉन रो वाटर, इसको इसकी वैल्यू 0.98 रख दो, पहले वाला वन प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू वन। बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रहा। 0.98 वन प्लस गामा 3.3 × 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू वन। अब यार कैलकुलेशन तो है यार, मैं क्या करूं, 100/98 आएगा इधर ले जाएंगे तो, फिर उसको माइनस वन करना पड़ेगा, फिर 3.3 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन तो ज्यादा है इसमें, पर बेटा इन चीजों से डरना नहीं है। देखो यार है ना, कैलकुलेशन अपनी फिजिक्स का पार्ट है, तो इन चीजों से डरना नहीं है। तो आप घर पर जाकर एक बार कर लेना, मैंने आपको सारी वैल्यू लिख दी। तो बेटा इसमें जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो आएगा T2 = 60.6 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर आपका आएगा बेटा 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए मैं तोमन से कह रहा था एक बार चेक करो बेटा आपका, तो एक बार आप सब लोग चेक कर लेना। अंतिम T2 आएगा 65.8 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का फर्क पड़ गया होगा, एक बार देख लो, और फिर भी गलत आए तो मुझे कल अगले लेक्चर में बता देना, मैं इसे और
दोबारा चेक कर लूंगा। तो आज का लेक्चर तो बेटा हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। सिलेबस वगैरह डिस्कशन हो गया है, थैंक यू सर। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, कल मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू सर।